चलिए हम बात करते हैं वेरना इंडस्ट्री में या फिर गोवा में इंडस्ट्रियल जॉब के बारे में। आप कौन से जॉब के लिए अभी फिलहाल अप्लाई कर सकते हो और गणपति के बाद क्या रिक्वायरमेंट आने वाले हैं? ठीक है, तो बेसिकली हम वेरना इंडस्ट्री में स्टे करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते करते आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम आपको एज ए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब देते हैं। उसमें जॉब रहेगा आईटीआई के ऊपर, डिप्लोमा के ऊपर, बीई बीटेक, 10th पास, 12th पास, देन ग्रेजुएट। लेकिन काम एज ए कंपनी के अंदर रहेगा, पैकिंग में, प्रोडक्शन में, लाइंस पे, असेंबली में, स्टोर में, क्यूए क्यूसी, देन हाउसकीपिंग। जो अनस्किल कैटेगरी में आएंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं और एज ज्यादा हो जाती है लगभग 35 साल, 40 साल, 45 साल, उनको हम हाउसकीपिंग में लेंगे लेंगे। उनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम रहती है, मतलब कम कम क्वालिफिकेशन रहती नहीं है, उनको हम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ले लेंगे। ठीक है, कंपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसमें सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, पैकिंग प्रोडक्शन सुपरवाइजर, लेलर अटेंडेंस लॉन्ड्री में, देन आपका पेंट्री बॉय, ये सब चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो ग्रॉस सैलरी या फिर मिनिमम सैलरी है, गोवा की मिनिमम वेज जो सैलरी है, वो अनस्किल का कम से कम 14,000 रुपये सैलरी आपको इनहैंड आएगा। बाद में सेमी स्किल का 15,000, 16,000, स्किल का सैलरी 17,000, 18,000 तक आपको आ जाएगी। डिपेंड करता है आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आप कौन सा डिपार्टमेंट में जा रहे हो काम करने के लिए। ठीक है, जो भी ड्यूटी रहती है सभी के सभी ड्यूटी तीनों शिफ्ट में रहेगी, फर्स्ट सेकेंड नाइट तीनों शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी। कंपनी की तरफ से वन टाइम फूड एंड ब्रेकफास्ट और ट्रांसपोर्ट, बट सभी कंपनियों में नहीं मिलेगा कि आप सभी कंपनियों में आपको अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल नहीं, किसी किसी कंपनी में मिलेगा ये सारी फैसिलिटी। बाकी का रूम आपको सेल्फ अरेंज करना पड़ेगा, आप शेयरिंग में रूम लेके रहो या फिर अपने साथ 4-5-6 ग्रुप आप आते हो एक साथ, आप अपना रूम लेकर के रह सकते हो। ठीक है, कंपनी के आसपास में बहुत सारी आपको रूम मिल जाएंगे और वेरना इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, आप यहां पर आपको आना पड़ेगा, आपके पहचान के थ्रू आ जाओ या फिर हमारे थ्रू आ जाओ, किसी के पहचान के थ्रू आप आओगे। जैसे कॉन्ट्रेक्टर सुपरवाइजर जो रहेंगे वहां पर, फील्ड सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर, वो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, पुलिस फॉर्म एंड फोटोज, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सारे अटैच करेंगे और वहीं पे आपको कंपनी में डायरेक्ट तुरंत फेस टू फेस आपका इंटरव्यू हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और आप नेक्स्ट डे से ड्यूटी कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहेगी, कम से कम सैलरी आपको 14,000 रुपए रहेगी, उसके ऊपर कुछ भी हो सकती है सैलरी, आपके एक्सपीरियंस और आपका डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंपनी ओटी देती है, थोड़ी कंपनियां ओटी देती है, सिंगल ओटी, थोड़ी कंपनी डबल ओटी देती है। तो आप ओटी करके 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 रुपए तक पेमेंट बढ़ा सकते हो। पार्ट टाइम में और कुछ अगर आपको कहीं जॉब मिल जाता है 8 घंटे का, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है आपको गणपति के बाद, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कैसे अप्लाई करोगे, आपका कोई कांटेक्ट नहीं, कोई पहचान नहीं है यहाँ पे, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा आपको, वहां पर क्लिक करोगे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, वहां से आपका डिटेल भेजो, मेरे से बात करो, रिक्वायरमेंट अगर है हम आपको बुला लेंगे, आप गणपति के बाद या फिर गणपति के पहले आ सकते हो। कंपनी का रिक्वायरमेंट अभी चालू हो जाएगा, बारिश थोड़ी कम हो गई गोवा में, आपको बहुत सारा रिक्वायरमेंट आएगा, एज ए थर्ड पार्टी कंपनी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिल जाएगा। आप वो जॉब करते हुए अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी तलाशते रहो, ढूंढते रहो, एक्सपीरियंस लोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। जॉब करते रहोगे आपको जॉब मिलेगा, जॉब लेस घूमते रहोगे जॉब नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।